बेटा हमने आपके लिए एक लड़की देखी है, हमने सोचा आपके नॉलेज में भी ले आए। लड़की देख लिया किस लिए? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह तो आपको भी मेरा जवाब पता होगा। देखिए खालिद मियां, मेरे साथ ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे भले मान गए थे। आप इसके आते ही आप फौरन बदल गए फिर से? मैंने ना पहले माना था हमने, ना अब मानूंगा। आप प्लीज ये बिला वजह की जिद छोड़ दें। जिद छोड़ दें? आपको जो जिद लग रही है, आप जानते हैं उसके पीछे हमारे कितने अरमान हैं, कितनी ख्वाहिशात हैं? इस बात का अंदाजा है आपको? अंदाजा है मुझे अम्मी, बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन जैसा आप चाह रही हैं वैसा हो जाए ये जरूरी तो नहीं। फिर कल मैं तीसरी शादी कर लूंगा, चौथी शादी कर लूंगा। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो हम आपकी दूसरी तीसरी चौथी शादी भी करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कमाल करती हैं आप अम्मी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि अल्लाह की मसलहत किसी और चीज में है। उसने हमें इस तरह रखना है, वही हमारे हक में, वही हमारी आजमाइश है। हो सकता है, लेकिन हर आजमाइश से निकलने की तदबीर इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। जिंदगी यूं नहीं गुजारी जा सकती। बस हमने कह दिया आपको, अगले हफ्ते सादगी से हम आपका निकाह कर रहे हैं। अबे यार क्यों फोन कर रही है? क्यों फोन किया? मुबारकबाद देने के लिए। क्या तो बाजी मारी है, बहुत अच्छा किया। आप तड़प तड़प के मर ही जाए। कौन सी बाजी, क्या अच्छा किया मैंने? मैं जानती हूँ कि दानिया तुम्हारे पास है। मेरे पास क्यों होगी? मुझे ना दानिया से कोई मतलब है और ना ही नायाब से। अपने मसले अपने तक रखो, मुझे इन मसलों से दूर रखो। तुम मजाक कर रहे हो ना? मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं तुमसे मजाक करूं। ठीक है, आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। इससे क्या हो गया है? अगर इसके पास नहीं तो फिर कहाँ है दानिया? कहीं सच में तो